नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। आईपीएल 2020 के 49वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर 6 विकेट से जीत दर्ज की। केकेआर की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएसके की टीम ने ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा की पारियों के दम पर मैच को अपने नाम किया। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 49वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जहां पर एमएस धोनी की कप्तानी वाली सीएसके की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 6 विकेट से हराकर केकेआर के प्लेऑफ में पहुंचने के सपने को खराब कर दिया। इस मैच में भले ही सीएसके की टीम ने जीत हासिल की हो, लेकिन कोलकाता के लिए वरुण चक्रवर्ती ने एक खास कारनामा अपने नाम कर लिया। एमएस धोनी का विकेट लेना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक सपने के जैसा होता है, लेकिन आईपीएल के इतिहास में एक सीजन में एक नहीं बल्कि 2 बार एमएस धोनी को बोल्ड करने का कारनामा अब वरुण चक्रवर्ती के नाम है। दुबई में खेले गए मैच में वरुण चक्रवर्ती ने सीएसके के कप्तान एमएस धोनी को एक बार फिर से बोल्ड करने का कारनामा किया। गुरुवार को खेले गए मैच में वरुण चक्रवर्ती ने एमएस धोनी का विकेट 15वें ओवर में अपने नाम किया। वरुण चक्रवर्ती की इसी गेंदबाजी के चलते भारतीय चयनकर्ताओं ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दौरे पर शामिल किया है। बता दें केकेआर की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 172 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसका पीछा करते हुए सीएसके की टीम ने 14.3 ओवर में 3 विकेट खोकर 121 रन बना लिए थे। अंबाती रायडू के जाने के बाद कप्तान एमएस धोनी बल्लेबाजी करने आए थे और गेंद एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती के हाथों में थी। बता दें वरुण चक्रवर्ती आईपीएल के इतिहास में ऐसे पहले गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को 2 बार क्लीन बोल्ड करके उनका विकेट चटकाया है। सीएसके की टीम को जीत के लिए 33 गेंद में 51 रनों की दरकार थी और तभी वरुण चक्रवर्ती ने तेजी से कप्तान एमएस धोनी को बोल्ड कर दिया। वरुण ने जिस गेंद पर धोनी को बोल्ड मारा वो औसतन उनकी गेंद से काफी तेज थी। 95 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई इस गेंद पर धोनी पीछे हटकर कवर पर शॉट खेलना चाहते थे और रन लेना चाहते थे, लेकिन वो वरुण चक्रवर्ती की स्पीड से चकमा खा गए और बोल्ड हो गए। बता दें एमएस धोनी इस मैच में सिर्फ एक ही रन बना सके। इससे पहले धोनी केकेआर के खिलाफ खेले गए मैच में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ बोल्ड होकर वापस पवेलियन लौटे थे। 7 अक्टूबर को खेले गए इस मैच में धोनी ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर पहले छक्का लगाया था, जिससे उनका स्कोर 11 रन पहुंच गया। अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने धोनी को बोल्ड मारकर वापस पवेलियन भेजने का कारनामा किया था। आपको बता दें कि इस मैच को केकेआर की टीम ने 10 रनों से जीता था। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।